डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कैलोरीमेट्री का नेक्स्ट पॉइंट, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, इसको सेम टाइप का देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा ही है। उसमें यूनिट मास होता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें यूनिट मास नहीं होता, बस इतना ही फर्क है। क्या है, नोट कर लो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम बाय यूनिट टेम्परेचर, ऑफ ए सिस्टम बाय यूनिट टेम्परेचर, बस इतना। हीट कैपेसिटी को डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वो गया, एम इसमें से गया। अब देखो, एस वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो क्या था, एस यदि लिखना हो एस, तो इधर एम होना चाहिए ना, यहां एस लिखे तो इधर क्या होना चाहिए, इसको भूल जाओ, यहां एस लिखे तो इधर क्या होना चाहिए, एम, एम को इधर ले जाओ, ऐसा हो गया। सो इट इज एम इंटू एस, तो ये हो गया हीट कैपेसिटी, मतलब मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट, ये दोनों के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। थोड़ा डिपेंडेंसी का डिस्कस कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे सब एक साथ डिपेंडेंसी का। यूनिट बहुत सिंपल है, जो सिस्टम में चाहो उसमें लिख दो, क्या है ये, क्या जूल, ये केल्विन, कैलोरी केल्विन, जैसा चाहो वैसा लिख सकते, कोई टेंशन नहीं। आगे का पॉइंट देखे, सो ये वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ये क्या चीज है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वाटर इक्विवेलेंट उधर पढ़े थे ना, स्प्रिंग इक्विवेलेंट, और पढ़े हो गए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वैसा ही कुछ ये टर्म है वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इसके बारे में नोट कर लो, क्या लिखेंगे इसमें, देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सच डैट हीट सप्लाइड टू, हीट सप्लाइड टू वाटर एंड द सिस्टम, वाटर एंड द सिस्टम आर इक्वल, आर इक्वल एंड एंड टेम्परेचर इज आल्सो, टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेज बाय सेम अमाउंट, टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेज बाय सेम अमाउंट, then mass of water is called as water equivalent of the system, water equivalent of the system, eh? कहने का मतलब हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इसका कुछ मास होगा m, कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, ये इसका वाटर इक्विवेलेंट पता करना है। तो हमने कुछ मास ले लिया यहां पे w, किस चीज का, वाटर का, इसको हीट सप्लाई किए q, और ध्यान देने का इसको भी सप्लाई किए q, दोनों को इक्वल हीट दे दिए। अब दोनों को इक्वल हीट दिए, खास बात क्या कह रहा है कि टेम्परेचर भी दोनों का इक्वल ही चेंज होना चाहिए, डेल्टा टी मस्ट बी सेम दोनों का। तो जब यहां पे बात करें वाटर का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान इसका क्या लिख सकते, उधर लिखे थे एस इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, तो क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो यहां क्यू इक्वल टू लिखे इसका एम एस हीट सप्लाई के डेल्टा टी, इधर क्या लिखेंगे डब्ल्यू
एस डब्ल्यू डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल इधर आ जाए तो हमें एस एस में डब्ल्यू पता करना, डब्ल्यू इक्वल टू एम एस अपॉन एस डब्ल्यू, यही हो गया। डब्ल्यू क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट, बहुत सिंपल है। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम की मास ही है, वाटर इक्विवेलेंट एक तरह से सिंपल वे में कहा जाए तो मास है। नोट कर लो इसको, हीट सेम जाना चाहिए है कि नहीं, हीट सेम गया और सेम टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। यदि नहीं बढ़ रहा हो, सेम हीट देने से सेम टेम्परेचर नहीं बदल रहा हो तो कहेंगे इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई रेजिस्टेंस कहीं ले लो, एक में एक रेजिस्टेंस है, एक में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं। सेम बैटरी लगाने से सेम करंट जाना चाहिए, यदि करंट अलग अलग हो गया इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। वैसे यहाँ पे भी है कि नहीं, सेम कंडीशन में हीट में सेम टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मास जो है इसके बढ़ा। अब ये जरूरत क्यों पड़ता है इसके बाद देख लो। एक्चुअल में ये जो सिस्टम है, मान लो 5-10 मटेरियल से बना हो, यहाँ तो भी एक ही लिख दी, 5-10 मटेरियल से बना हो, ये एम एस क्या है? हीट कैपेसिटी। तो ये यदि 5-10 मटेरियल से बना हुआ हो तो सभी का क्वेश्चन में मास, सभी का स्पेसिफिक हीट देना होगा, तो बेटर है उसका क्या दे देते, वाटर इक्विवेलेंट। उसको हीट किए, वाटर को हीट किए, दोनों इक्वल आ गया, अपना काम खत्म। इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाता। आसान करने के लिए कहीं पे भी इक्विवेलेंट पता करते हैं तो मेन मकसद उसको इजी करना ही रहता और कोई दूसरा। अब आते हैं इसमें एक और टर्म है, कौन सा है? कैलोरीमेट्री का लिखेंगे लैटेंट हीट, लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के बारे में लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सिस्टम, टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सिस्टम एट इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब स्टेट चेंज करना है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हीट सप्लाई के और यूनिट मास के स्टेट को चेंज करना है। मतलब सिंपल सा है, सॉलिड है तो किस में बनाएंगे, लिक्विड, या फिर लिक्विड है तो किस में बनेगा, वेपर। ऐसा तो ऐसा यदि चेंज करना हो तो उसी को कहते लैटेंट हीट का कंडीशन। तो लैटेंट हीट का जो काम है, स्टेट को चेंज करने का काम है। जैसे हम लोग आइस ले लेते, तो आइस वाटर में बदलेगा, कब बदलेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। वाटर को स्टील में बदलना हो तो कब बदलेगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ऐसा ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ही काम करता है, इसी को कहते लैटेंट हीट। इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल जूल और नीचे केजी, एसआई सिस्टम में लिख। हमारे पास जो यूज में आने वाला है वो दो तरह का है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, इसको कह सकते लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। ये होता है फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग का कंडीशन। आइस के लिए कितना आता है ये? इसका फिक्स वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम, यूनिट ऐसा भी लिख सकते कैलोरी पर ग्राम में भी। दूसरा वाटर का डिस्कस करें तो ये क्या हुआ, आइस को किस में बदला? वाटर में। अब हम लोग बात करेंगे ऐसा, तो लैटेंट हीट ऑफ, इसको कहेंगे वेपोराइजेशन, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। इसका वैल्यू होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। कैलकुलेशन पर्पस से हम लोग ले लेते हैं इसको, लगभग कितना 540 कैलोरी पर ग्राम, लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल हो गया। तो ये आइस के लिए है 80,
फ्यूजन मतलब क्या होगा, मेल्ट करना, मेल्ट करना या फ्रीज करना, जस्ट इसका उल्टा भी ध्यान रखने का। जैसे आइस से वाटर बनाना, 1 ग्राम आइस को तो उसमें 80 कैलोरी हीट डालो तो वाटर बन जाएगा। दूसरा वाटर हो, वाटर वाटर कितना, 1 ग्राम उससे 80 कैलोरी हीट निकालो तो आइस बन जाएगा, लेकिन कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये प्रोसेस कब होता है आइस के लिए। दूसरे मेटल का कोई मटेरियल है उसका मेल्टिंग अलग होगा, अलग कंडीशन पे तो अलग आएगा, तो ये कहाँ पे हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे। वाटर का बनता है स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम वाटर को स्टीम बनाना हो कहाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कंडीशन है, ये नोट कर लो। इसमें ध्यान देने वाली बात है डिपेंडेंसी का, पहले डिस्कस किए थे, फॉर्मूला अलग होता है और डिपेंडेंसी अलग होता है, फॉर्मूले से उसको कंपेयर नहीं करने का, है कि नहीं, समझ गए कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले एस का डिपेंडेंसी पता करते, एस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैटर, सब्सटेंस जो भी कहो, बस नेचर पे। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, इधर लिखे एस इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। अब सोचो ये एस जो है हीट पे डिपेंड करता होगा, एम पे डेल्टा टी, नहीं ये वैसा जाता तो वाटर का एस हम लोग कितना लिख देते, 1 कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी। अब कोई कहे 500 कैलोरी हीट वाटर में दे दिए तो ऐसा आएगा, 1000 कैलोरी दे दिए तो ज्यादा आना चाहिए, हीट ज्यादा दे तो नहीं, ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला, ये एस फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, डिपेंडेंसी नहीं बताता है, वैसे Q ये फॉर्मूला है ये डिपेंडेंसी नहीं बताता, डिपेंडेंसी उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल समझे, F इक्वल टू एम ए, मतलब एम इक्वल टू लिख दिए एफ बाई ए, क्या लगता मास फोर्स पे डिपेंड करता, ऐसा तो नहीं कि 50 न्यूटन लगा दो तो 50 केजी हो जाएगा, ब्लॉक तो वही है जो है सो है, ये फॉर्मूला है मास पता करने का, डिपेंडेंसी नहीं बताता। वैसे ही एस ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि इन सब पे डिपेंड कर, नेचर ऑफ मैटर, वाटर है तो वाटर का अलग, आइस का अलग, बड़े भी आयरन का अलग, कॉपर का, सब मेटेरियल का अलग अलग रहेगा। एल नेचर ऑफ मैटर, एल मतलब लाइफ एंड हीट, नेचर पे डिपेंड करता है, सेम टू सेम वही। आते हीट कैपेसिटी, ये होता है एमएस, मतलब नेचर प्लस मास ऑफ मैटर, नेचर पे भी डिपेंड करता और साथ में मास पे भी डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट, तो वाटर इक्विवेलेंट ये उसके बारे में मालूम है। इसमें एक चीज और देखें, जब हम लोग एस और एल के बारे में यूज कर रहे हैं तो दोनों में कोई एक ही लगेगा, यानी कि या तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, आइदर टेम्परेचर इंक्रीजेज और स्टेट चेंजेज, दोनों में कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आइस मेल्ट भी कर रहा हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो, पॉसिबल नहीं है। जैसे आइस होता है नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं हो सकता, हीट सप्लाई करो तो आइस वाटर में बनेगा और जो वाटर में बना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 50 डिग्री सेल्सियस का आइस कभी नहीं मिलता। और वैसे ही है, यदि स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं करेगा। अब आइस है -10 से उसको हीट किए -5 पे आया, उस समय तक कोई मेल्टिंग नहीं, -10 से -5 तक सिंपल चलता रहेगा, करेक्ट है, ये पॉइंट को याद रखने का। बाकी आगे इस पे क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।